हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे इस रेडिएटर फैन के ऊपर एक पार्ट लगा हुआ है, इसके बारे में। दोस्तों, इसे रजिस्टर कहते हैं। ये रजिस्टर इसलिए लगा हुआ है कि इस फैन को स्लो स्पीड से घुमाने के लिए। तो इस रजिस्टर का काम क्या होता है, देखिए। जब ECU लो स्पीड फैन रिले को ऑपरेट करता है, तब इसमें आया हुआ पावर का कनेक्शन हाई स्पीड फैन रिले के जैसा ही सेम ही होता है। यानी हाई स्पीड में भी 12 वोल्ट और सेम करंट, और लो स्पीड में भी 12 वोल्ट और सेम करंट होता है। पर यहाँ क्या होता है, इस रजिस्टर के माध्यम से करंट के फ्लो को नियंत्रित करके स्लो स्पीड से फैन घूमे, इतना ही पावर आगे भेजता है और फैन स्लो स्पीड में घूमना चालू करता है। अब इसका पूरा सर्किट जान लेते हैं। ये रेडिएटर फैन एक इंजन कूलिंग सिस्टम का भाग है। इंजन को नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर में रखने के लिए रेडिएटर फैन की मदद होती है। ECU जब भी इंजन के कूलिंग सिस्टम पर लगे हुए कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से इंजन के तापमान की इंफॉर्मेशन लेता है, और उस हिसाब से ECU डिसाइड करता है कि कौन से स्पीड से रेडिएटर फैन को चलाना है। उसके लिए ECU फैन रिले को ग्राउंड का सप्लाई करता है। जब इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल है और उसके ऊपर जाता है, तो टेम्परेचर नियंत्रित में रखने के लिए स्लो स्पीड से फैन को ECU चलाता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब ECU हाई स्पीड रिले को ग्राउंड का सप्लाई देकर हाई स्पीड से फैन को ऑपरेट करता है। दोस्तों, रिले कैसे काम करता है और ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर कैसे काम करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करो या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर देखना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।